दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, यानी जो केकेआर की टीम है उनकी टीम में दो दिग्गज खिलाड़ी वापसी करने वाले हैं। दोस्तों कौन है वो दिग्गज खिलाड़ी, हम पूरी बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच। दोस्तों बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो यहाँ पर जो केकेआर की टीम है उनका पिछले सीजन गया था काफ़ी ख़राब, जहाँ पर ये टीम शुरुआत के 4 मैचों में से 3 मैच में जीत दर्ज की थी। जहाँ पर जो आखिरी के मैच है उसमें हार का सामना करना पड़ा था केकेआर की टीम को। जहाँ पर जो केकेआर की टीम है वो पूरी तरह से आंध्र रसल पर निर्भर थी। जहाँ पर जो दिनेश कार्तिक हैं और उनकी काफ़ी ख़राब कप्तानी और साथ ही केकेआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही बात करें बॉलिंग अटैक की, तो यहाँ पर बॉलिंग अटैक में प्रसिद्ध कृष्णा और लॉकी फर्गूसन ने काफ़ी ख़राब गेंदबाजी की थी। जहां पर जो केकेआर की टीम है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों बात करें वो कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वापसी करने वाले हैं। बात करें पहले खिलाड़ी की, तो पहले खिलाड़ी हैं शिवम मावी। जी हाँ, शिवम मावी वापसी करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, और साथ ही दूसरे खिलाड़ी कमलेश नागरकोटी। आपको बता दें जो कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी हैं वो आईपीएल 2019 में चोट की वजह से बाहर हो गए थे, जहाँ पर इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर संदीप बारी और केसी करियप्पा को बुलाया गया था। जहां पर जो केसी करियप्पा हैं उन्होंने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया था, जहां पर ये एक मैच सिर्फ खेले थे। और बात करें दूसरे रिप्लेसमेंट की, तो दूसरे रिप्लेसमेंट है संदीप बारी है। जहां पर जो संदीप बारियर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और साथ ही काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2018 में शिवम मावी केकेआर की टीम के लिए खेले थे, जहां पर शिवम मावी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और साथ ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन जो कमलेश नागरकोटी हैं वो आज तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से नहीं खेले हैं। हालांकि 2 साल से हिस्सा है केकेआर की टीम का, जहां पर ये दोनों के दोनों साल चोट की वजह से बाहर हो गए थे और साथ ही केकेआर की टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेले हैं। अगर दोस्तों यहां पर जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है उन्होंने कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी को रिलीज नहीं किया, ऐसे में जो कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी हैं वो हमें केकेआर की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं केकेआर की टीम के लिए और साथ ही केकेआर की टीम को आईपीएल 2020 का खिताब भी जीता सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है जो केकेआर की टीम है वो आईपीएल 2020 का खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।